बाहर खुश रहते हैं, लेकिन जब आप घर में पहुंचते हैं तो आप उदास हो जाते हैं। उसके बहुत से कारण हैं। पहली बात तो घर में वास्तु दोष होगा, दूसरी बात घर में निगेटिविटी होगी। घर में निगेटिविटी गंदगी से होती है। बंद पड़ी हुई अगर घड़ी है घर में, उलझे हुए इलेक्ट्रिक के तार हैं घर में, या घर में पुराने जूते ऐसे पड़े हुए हैं जो आप पहने नहीं जाने हैं, या पुराने कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं जिन्हें पहनना नहीं है, या आप ये समझ लीजिए कि कबाड़ का सामान आपके घर में कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ है, छिपकलियाँ आपके घर में काफ़ी संख्या में हो गई हैं, घर की दीवारों में नमी आ गई है, फर्श टूटी हुई है, दीवार पर रंग खराब हो चुका है, तो ये सारे कारण ऐसे हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। और जब नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वहाँ ना आपको ठीक से नींद आएगी, ना आप हंस पाएंगे, ना आप प्रसन्न होकर भोजन कर पाएंगे, केवल तनातनी, खींचातानी और परिवार में एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति बनती है। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल सुबह होलिका की राख को घर ले आकर के और घर की चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में एक एक चुटकी राख छिड़किएगा। और यदि आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा से बहुत परेशान हैं तो जब होली जल जाए तब आप होलिका का जलता हुआ एक कंडा मिट्टी के कड़वे में रख करके अपने घर तक ले आइएगा और उसे घर के अग्नि कोण में, साउथ ईस्ट में रख दीजिएगा, भले वो 10-5 मिनट के बाद बुझ जाए। अग्नि को अपने घर के आग्नेय कोण माने साउथ ईस्ट में रख दीजिएगा, मिट्टी के कड़वे में ही रखिएगा, अब वो अपने से बुझ जाए तो बुझ जाए। अच्छी सेहत के लिए होली के दिन कल होलिका की राख को शरीर में मलिएगा, फिर स्नान करिएगा। जीवन में सफलता पाने के लिए होलिका दहन की राख से हर दिन एक डब्बे में होलिका दहन की राख रख लीजिए और हर दिन आप, अगर आपको लगता है कि आपको नजर, जादू, टोना, ब्लैक मैजिक कुछ भी आपके साथ हुआ है, तो होलिका की राख से अगर आप 40 दिन तिलक कर लेंगे माथे पर तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और एक सूखा जटा वाला नारियल, थोड़ा सा एक मुट्ठी काला तिल और पीली सरसों, ये जरूर होलिका में डाल दीजिएगा, इससे आपका सौभाग्य उदय होगा।